मेरे साथ आज निधि साहू जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हैं और सीए जस्ट अभी मई 2023 में इन्होंने क्लियर किया है। एक एक बार में एक एक अटेम्प्ट में सीए क्लियर करने वाली निधि साहू, सीए बनने के बाद निधि को कैसा लगता है? सर एक प्राउड मोमेंट है, सीए बनना हमारा हमेशा से एक एम रहा है और वो अचीव कर लेना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो मोमेंट होता है जब हम रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि हाँ अब हम फाइनली हम सीए बन चुके हैं, वो मोमेंट हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो आज के बच्चे हैं उनको लगता है कि सीए बहुत टफ कोर्स है, सीए उनसे नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को अगर दो तीन बातें बतानी हो तो निधि साहू क्या बताएगी कि कैसे और क्या करना चाहिए? सीए बिल्कुल एक टफ कोर्स है पर इम्पॉसिबल नहीं होती कोई चीज़, टफ कोर्स है तो हमको डेडिकेशन और एफर्ट्स भी वैसे डालने होंगे, हम डेफिनेटली हर कुछ अचीव कर सकते हैं बस वो जर्नी हम जो है वो हमको तय करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी टफ हो चाहे कितनी भी इजी हो, हमको बस जो एम है हमारा वो अचीव करना है। निधि साहू का कहना यह है कि एम यानी अपने टारगेट के प्रति एकदम आगे बढ़ते रहें। यहाँ चलते चलते मैं इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा हूँ और निधि साहू को इंस्टीट्यूट के सामने ही बात कर रहा हूँ निधि साहू से कि निधि साहू ने कैसे तैयारी की थी। निधि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन रहा है और रोल मॉडल के बारे में क्या बताना चाहूँगा? जी रोल मॉडल की बात ऐसी है कि हर स्टेज में हम नए लोगों से मिलते हैं, हर स्टेज में हमारा रोल मॉडल चेंज हो सकता है। जैसे मैंने अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो मैंने सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया था संतोष राय इंस्टीट्यूशन, जो मेरे ऐसे ही फ्रेंड ने मुझे बोल दिया था मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ आई तो बहुत सी चीज़ें सीखी, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चीज़ें जो होती, बहुत सी चीज़ें देख के भी सीखी है और बहुत से कोर्सेज करके भी सीखे हैं। यहाँ का आइडल बोला जाए तो सर आप, आज ऐसा तो नहीं थी मेरे साथ बातचीत कर रही हो तो सर आप? नहीं सर ऐसा नहीं है, यहाँ हर किसी इंसान से सीखने मिलता है, दिव्या मैम हो, केतन सर हो, प्रवीण सर हो, चाहे आप हो, हर किसी से कुछ नई चीज़ें आपसे जो सीखने मिलता है वो फ्लुएंसी कि कॉन्फिडेंट हो कि आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, डरना नहीं है किसी से, आपसे वो सीखने मिलता है, हर किसी से सीखने मिलता है। निधि मैं ये पूछना चाहूंगा कि पढ़ते वक्त कभी ऐसा लगा कि अरे यार कहाँ मैं फंस गई, ये सीए हुए छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं सर मुझे लगा कि हाँ मतलब हम बहुत पढ़ रहे हैं पढ़ाई ही हो रही है, लेकिन ये कभी नहीं लगा कि मैं छोड़ दूंगी। अभी मैं शुरू से ही पता नहीं क्यों ये डिसाइडेड थी कि मैं किसी भी स्टेज में आऊँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगी। निधि साहू सीए फाउंडेशन आपने क्लियर किया, सीए इंटर किया, फाइनल किया, इस दौरान कहीं ऐसा लगा कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ या मुझे मतलब कहीं मोटिवेशन की जरूरत है, तो वो पावर अपने अंदर आप कहाँ से जनरेट करती थी? यस सर सीए इंटर और फाउंडेशन तो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो उस समय तो इतनी समझ नहीं थी, टीचर्स थे साथ में तो उस समय ये चीज़ें नहीं लगी, फाइनल के दौरान लगता है ये चीज़ कि कैसे करें कैसे होगा, पर वही है बहुत सारे लोग हैं समझाने वाले, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप जैसे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे भी बहुत लोग हैं, यही सारी चीज़ें देख के हम मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस रहते हैं जो सीए बन गए उनका रिएक्शन जो रहता है वो चीज़ें देख के फिर मोटिवेट। तो थोड़ा सा रिएक्शन आप दे दो सीए बनने के बाद में, आप थोड़ा रिएक्शन देना चाहोगे तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताओ कि निधि का रिएक्शन देखो कितना खुश है, तो बच्चे अगर जो खुश होना चाहते हैं उनको और ये रिएक्शन चाहिए जो निधि साहू का रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन चाहिए। कुछ बच्चे उधर सीएमए वाले बच्चे बैठे हुए हैं वो भी उस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। निधि इंस्टीट्यूट में यहाँ डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में आप पढ़ी, तो यहाँ पे आपको सीए केतन ठक्कर, सीए प्रवीण बाफना, सीए दिव्या रत्नानी, मिठू मैम, ऐसे बहुत से लोगों के साथ आप मिली, यहाँ की कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है? सर यहाँ की एक चीज़ है जो मैंने ऐसे भी देखा है, केतन सर, प्रवीण सर, दिव्या मैम, पर्सनली अगर हमको कहीं पे भी कुछ लगता था ना कि मतलब कन्फ्यूजन होता है, जैसे मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं अपनी फैमिली में पहली सीए हूँ, पहली हूँ जिसने कॉमर्स लिया है, तो मुझे गाइड करने वाले ऐसे लोग नहीं थे, तो मुझे अभी भी याद है ऐसे बहुत बार हुआ है दिव्या मैम से मैंने फ़ोन पे बहुत सी चीज़ें गाइडेंस ली है कि मैम ऐसा लग रहा है क्या करें, वो तुरंत बताते हैं, आपको अटेंड करते हैं और एक अच्छा गाइडेंस देते हैं, ये चीज़ है यहाँ मैंने देखी है। मतलब यहाँ पे सब लोग सपोर्टिव हैं। हाँ तो यहाँ अगर निधि को सिंगल पॉइंट में अगर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना हो तो क्या कहना चाहिए, एक लाइन में अगर बोलना हो तो क्या कहेंगे? एक लाइन में ये कि हम प्रोफेशनल अगर करियर में स्टेप करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा जगह है क्योंकि यहाँ हम प्रोफेशनली भी ग्रो करते हैं। ये सेमिनार वर्कशॉप ऐसा कई बच्चों के मन में रहता है कि यार इन लोग तो सब पैसा कमाने का जरिया है, पैसा लेने का जरिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप भी गुजरी होंगी, तो इन सब चीज़ों का कोई अपने लाइफ में अपने करियर में कोई इम्पोर्टेंस है कि नहीं? जी
उस समय अगर हम इंटर में रहते हैं या फाइनल की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको नहीं समझ आती ये सारी चीजें कि हमको ये करना है कि नहीं, पर जब जैसे ही हम क्लियर कर लेते हैं फाइनल एग्जाम, उसके बाद हमको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन राउंड्स हो गए, पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो गए, ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना, शुरुआत से ही प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। हम लास्ट मोमेंट में या एक हफ्ते में कोई चीजें, हम बहुत सी चीजें करनी होती है, हम नहीं सीख पाते। यहाँ पर अगर गाइडेंस दिया जाता है कि शुरू से वो करें तो वो एक अच्छी चीज है। ये निधि साहू है और मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा ही कम समय में बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रख दिया और